ज्वाली के लोक निर्माण विश्राम गृह में कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने विभागीय अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करने के साथ ही इनकी बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार ने 4500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की ताकि प्रभावित परिवारों का पुनरुत्थान सुनिश्चित हो। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका अब और बढ़ गई है। इसी बरसात में जो ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ है और इससे सारे हिमाचल प्रदेश में सभी जगहों के ऊपर सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार ने बड़ी तत्परता से काम किया है और सारे ऑफिसर साहबानों ने भी अच्छा काम किया है। इसके लिए मैंने एक सभी ऑफिसर्स की एक मीटिंग कॉल की और उसमें जो हमने उस राहत पैकेज 45 करोड़ का जो 4500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज जो है वो सारी स्टेट को दिया है, उसमें भी हमारे बहुत से जो विभाग थे जिसमें पानी का विभाग है, बिजली का विभाग है और इस तरह से फॉरेस्ट का है, दूसरे सभी विभागों को जो पैसे का प्रावधान किया गया है उसके ऊपर उनकी समीक्षा की गई और इस तरह से रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जो है वो उस पर तत्परता से बहुत से लोगों के ज़मीनें बह गई थी, मकान जो है वो गिर गए थे, उनके रिटेनिंग वॉल वगैरह लगाने के लिए 1-1 करोड़ 1-1 लाख रुपये जो है उसी वक्त सैंक्शन किया